आनंद मोहन जी कान खोलकर आप सुन लीजिए, आपको अगर घमंड होगा कि हम बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा बाहुबली है, तो दिमाग से उतार दीजिए। अगर कोई ब्राह्मण अपने पर आ जाएगा ना, चाहे हम लोग तो चिटकी में मसल देगा आपके जैसे व्यक्ति को, आप अहंकार से परिपूर्ण हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि एक बिस्तर हम रख आए हैं, क्या नाम है, जेल में। आजादी की लड़ाई लड़ने गए थे क्या जेल में आप? जेल में किस अपराध में थे आप अंदर? 14-15 साल के बाद किस अपराध में छूट कर आए हुए हैं आप? वो छूट कर नहीं, आपके अच्छे आचरण देकर छोड़ा गया। अब पता नहीं लालू जी या नीतीश जी या महागठबंधन सरकार को आपका कौन सा आचरण अच्छा लगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके जैसे व्यभिचारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति को जेल से छोड़ना ही नहीं चाहिए था, और जो सरकार आपको जेल से छुड़ाया उसी सरकार पर आकर के आप आरोप बढ़ना चालू कर दिए। अगर आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर मनोज झा जी के विषय में कि मनोज झा जी के चाचा जी फलाना थे, आप उनको देखे हुए हैं। आनंद मोहन जी, हम एक बात कहेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपने अंदर आप झांक कर देखिए, तो आप अपने बाप और अपने मां से पूछिए कि आपका शादी कौन कराया था, आपके मां पिताजी का शादी कौन कराया था? कोई ब्राह्मण कराया था कि आपकी मां को भगाकर आपके पिताजी लाए थे? आप लव मैरिज आपके पिताजी किए थे कि शादी किए थे? तो कोई ब्राह्मण ही शादी कराया होगा, वो आपके यहां कहने नहीं गया होगा। और आपके पिताजी का श्राद्ध कौन कराया? आनंद मोहन, आपके पिताजी का श्राद्ध कोई ब्राह्मण ही कराया होगा। आप 10 बार उसके पैर पर पड़े होंगे तब जाकर के आप ब्राह्मणों का अपमानित कर रहे हैं। आपका शादी कौन कराया? आपका बेटा का भी शादी हुआ कौन कराया? आपको बोलने के पहले सोचिए। और आप ये कह रहे हैं मनोज झा के चाचा जी के विषय में कि उनको क्या फिटकरी झा, मनोज झा को कहा जाए, वो फिटकरी है। अगर उसी बात से आपको संबोधन कर दिया जाए कि आप भस्मासुर अहंकारी मोहन है, आपको आनंद मोहन ना कहा जाए, आपको कहा जाए कि आप भस्मासुर अहंकारी मोहन है। अरे आनंद मोहन जी, आपको दिन याद पड़िए, पुराना दिन लद गया, पुराने दिन में आप नहीं जिए। हाथी बिका गई, खत्म हो गई, सीकर लेकर घूम रहे हैं अभी आप। दर दर का ठोकर आपका बेटा और आपकी बेटी पत्नी खा रही थी रोड पर। कोई राजनीतिक दल पूछने वाला नहीं था आपका बेटा को, आपके पत्नी को। भाग मनाइए लालू प्रसाद यादव जी को, भाग मनाइए तेजस्वी जी को, उन्होंने दो दो टिकट आपके पत्नी को भी दिया और आपके बेटा को भी दिया। और राजनीति में वो आपका बेटा जीत कर आया, मुख्य धारा में लाए, और उसी लालू जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मण आपका क्या बिगाड़ा है? आप अपने दल, अपने समाज का नेता बनते हैं आनंद मोहन जी। अब आपके समाज के लोगों को हम बताना चाहते हैं, गोपालगंज कोई ज्यादा दूर नहीं है यहां से। आनंद मोहन जी, आपको भी याद होगा, याद पार लीजिए आप, गोपालगंज आप चुनाव लड़ने आए थे, वहां विधानसभा चुनाव में काली पांडे जी अपना उम्मीदवार खड़ा की थी मुन्ना सिंह जी को। मुन्ना सिंह जात के राजपूत थे, दूसर जात नहीं थे वो, और बहुत दबंग, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, काली पांडे के खाना पाए थे, और काली पांडे जी ने उनको खड़ा किया था। और दुर्भाग्य से अपराधियों ने मुन्ना सिंह की हत्या कर दी एकदम चुनाव के पहले, एक दिन दो दिन पहले मुन्ना सिंह की हत्या हो गई। बहुत लोग मरमाहत हुए, बहुत लोग दुखी हुए, वो चुनाव जीत रहे थे। फिर दोबारा वहां विधानसभा चुनाव स्टार्ट हुआ, घोषणा हुआ चुनाव का, उस चुनाव में पुतुल देवी मुन्ना सिंह जी की पत्नी खड़ी हुई थी। और आनंद मोहन जी, जिस समाज की आप अगुवाई करना चाह रहे हैं, उस समाज के लोग ये बात भूले नहीं है, गोपालगंज के हमारे राजपूत समाज के लोग ये बात भूले नहीं है कि आप सहरसा शिवहर से आकर के पुतुल देवी का हराने का काम किया है। आपने निर्दलीय चुनाव लड़े गोपालगंज से और आप पुतुल देवी को हरा दिए। आप याद पा रही है, आपकी मां आई थी प्रचार करने के लिए, हमें ऐसा बात नहीं कहना चाहिए, और शायद में अब लोग, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आप अपने समाज का कितना बड़ा मान सिंह है, कितना बड़ा आप जयचंद अपने समाज का है, आप अपने समाज के लोगों का कितना हित किए हैं, यह हम बताना चाहते हैं। आपने क्या किया वहां पर? निर्दलीय चुनाव लड़े, आपकी मां आई थी प्रचार करने और अपना आंचरा ब्राह्मणों के सामने फैलाती थी, कहती थी कि हमारे बबुआ को जिता दियो, अपने सारसिया भाषा में। और आप भीएमएच
क्या नाम है मिंज स्टेडियम में आपका प्रोग्राम हुआ, आपकी मां रो 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 का आपके आपसे लिए वोट मांग रही थी। कितना भी काली पांडे जी सारे लोग समझाए, एक ठाकुर समाज एक राजपूत समाज की विधवा है पुतुल देवी, इसको चुनाव जितने दीजिए आनंद मोहन जी, आप जाइए आप मत चुनाव लड़िए। लेकिन आप अहंकारी आनंद मोहन तो कहेंगे नहीं आपको, आपको तो भस्मासुर अहंकारी मोहन। आप चुनाव लड़े और पुतुल देवी को आपने हरा दिया, और आप चुनाव न आप जीते न पुतुल देवी जीती, तीसरा कोई कैंडिडेट वहां जीत गया। आप वही अहंकारी आनंद मोहन है, वही अहंकारी भस्मासुर मोहन है आप। और आज आप ब्राह्मणों के विषय में टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मण मंदिर छोड़ दें, मंदिर तारा बाबू जी आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण मंदिर छोड़ दे, पहले ब्राह्मण भस्मासुर आनंद मोहन तारा बाबू जी के बनावल कि ब्राह्मणों को कहते हैं कि छोड़ दे, ब्राह्मण तारा घर कोला में बसे लगा, बड़ा तारा अपना पर घमंड बा, तो तार घमंड को ब्राह्मण चूर कर दिए एकदम बिल्कुल खत्म हो जाए बतू। आज बिहार में सारा लोग थू थू कर रहा है आपके ऊपर, आप चाहते हैं कि राजपूत तो ब्राह्मणों को बांट दें, राजपूत ब्राह्मणों को बांट करके आप अपना नेता बनना चाहते हैं, पूरे बिहार का एमपी अकेले बन जाइएगा, सिवान गोपालगंज छपरा महाराजगंज सबका एमपी आप ही बनिएगा अकेले, आप है आपकी पत्नी आपका बेटा, उस समाज में और कोई नहीं है, सिवान में बाबू साहब नहीं है लोग, गोपालगंज में नहीं है, महाराजगंज में छपरा में नहीं है, और जेलवा में इतना दिन रहा हो तब बाबू साहब लोग के नेता लोग नहीं के का बाहर बा, जेलवा में रहने के बाद से आई बयानवा दले बड़े जो कवितवा पढ़ले बड़े मनोज झा जी, पांच छह दिन पहले एक कविता, आज जब लालू जी तारा से भेंट ना कहले आनंद मोहन जी तो सौती के किस कटौती पर बबे जी तरह सस्ता मिल रहा हूं, दिमाग से बात अब निकाल दो कि पहलका पंडित जी लो बालो तार जिम्मेदारी चलता, रगड़ा जो मिसा जो तू जवान संभाल के बात कल करो, पूरे समाज के टारगेट मत करो। मनोज झा के बात जहां तक रह गई, मनोज झा जी को अपना तरफ से पढ़े बड़े कविता लिखल बा, अभी हम भी कह रहे ब्राह्मण बाद हटाइए, आ तुह कहो ब्राह्मण बाद हटाइए, इसमें कौन ब्राह्मण का अपमान हो गई, आ ठाकुर तो दुई को बटले बड़े, भिखारू ठाकुर तोहरे जात रहे हो आगे कर्पूरी ठाकुर तार जात हो, हमारे यहां जितना नाई भाई लोग सब ठाकुर लिखेला, तो वो लोग ठाकुर के चिंते नहीं खे, बिहार में मैथिल ब्राह्मण सब ठाकुर लिखता है लोग, 75% मैथिल ब्राह्मण ठाकुर लिखता है, सहरसा तार घर रहने के पता कि ब्राह्मण भी ठाकुर लिखता है, और तू तो मर्द अपना नाम क्या है ठाकुर ना लिखेला आनंद मोहन, ना तार बेटे लिखेला आनंद ठाकुर, ठाकुर टाइटिलो ना लिखे लो, और ठाकुर सबसे तरह इतना जलन हो गई केकरे खानदान के हुआ, भिखारी ठाकुर के कि कर्पूरी ठाकुर के, अब क्यों पूरे समाज बिहार में राजपूत और ब्राह्मणों में खाई पैदा करना चाहते हैं आप, 90-95 वाले दशक में याद है ना बीपीपा बना करके आप किसको फायदा पहुंचाए, याद है कि नहीं आपको, आप सवर्ण वोट को चाहते हैं कि बढ़ जाए, राजपूत ब्राह्मणों का कदर करना छोड़ दे और ब्राह्मण राजपूत का इज्जत करना छोड़ दे, यही चाहता रहो, आइल बड़ा 14-15 जेल से बाहर आ बड़ा बड़ा ठाकुराई के नेता बन गए, बड़ा पूरा राजपूत समाज के तारणी और नेता ठाकुर समाज ने क्यों नहीं कहे, तारा देखिए देखिए एक दूजे ना बड़े कि ना संजय सिंह जी है वो नीरज सिंह बबलू जी, इन लोग बुझाता लो कि हमारा राजपूत के नेता ये छीना जाए, तब हम दूगो पंडित जी लोग के घर आ दी, का आप लोग भी इनके चक्कर में पड़े हुए भाई, आप ये आनंद मोहन के चक्कर में आप लोग क्या पड़े हुए हैं, आनंद मोहन का देश स्क्रू ढीला हो गया है, अब एक पागल कहिए अहंकारी कहिए जो कहिए आनंद मोहन को, कहिए आनंद मोहन के पास कुछ है क्या है, आनंद मोहन कितनी उनके पास है जनता की सपोर्ट और वोट, उनको ब्राह्मण सबसे बड़ा कमजोर दिखाई दिया, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कविता लिखे हैं तो तनी बोला ना, और आपका एक बयान देखे हैं, आप बोले हैं कि हम रहते सदन में जीव खींच लेते हैं, बात आ रही मत कौन ब्राह्मण के जीव खींच के दिखाओ ना, तार जीव हुआ खींचने के बाद से दतवा बद तोड़ दी सो पंडित जी लो ध्यान दिया आनंद मोहन, पुरनका युग नहीं खे रही गई भागो तारा बहुत ज्यादा तू अपना के कौन पंडित जी का जीव खींच के देखो ना तू का मनो जाके जीव खींच सदन में जाइबो, सदन में जाए का मौका मिली जाइबो कौन जिंदगी में सदन में
और भाग मना बना कि सदन में तार बेटा चल गिर बैठे वो अगला बार अब तिलक ना चढ़ी जो तार भाषण बा तारा बेटा के डांटे के चाहिए किसन बयान ना दे उल्टे और में ललकारा तरह पूरा बिहार के राजपूत के नेता बना तरह का चाह तरह पूरा राजपूत भाई लोग वोट दे दिले तो पूरा बिहार से अकेले एमपी मंजी बका और राजपूत भाई लोग का कर लो और राजपूत भाई लोग हमारे का करी राजपूत ब्राह्मण के बीच में खाई बोल कम कर कह तरह की हम जीव घींच ले इतना तारा हिम्मत हो गई करे जाओगे बा रोत रहा 14 वर्ष रहा जेल में मैं रारू तारा जमना देव जमना दुआरी ना जाएगा तहना दुआरी जाके मुड़ी तेकत रही आ छूट गई के बाद से तारा बड़ा बोली निकल लगल आनंद मोहन जी सुधार लाओ अपना में आ समझ धरती बहुत आगे भी आ तू ही एगो वीर धरती में पैदा निकल ले तारा से बड़का बड़का वीर धरती पैदा ले बा तू ब्राह्मणों कितना कमजोर बुझ गिर बड़ो कि कहत रहे जीव घींच ले ब्राह्मणों बाब सदन में रहती तो सदन में तो जाए के मुके ना मिली कोनो जिंदगी में तू जीव का खींच ले क्यों के हो तारा इतना हिम्मत हो गई बा कहत रहे कि का कह ले ब्राह्मण लो दुकान जी छोड़ दे तो दुकान निकाल दे तो दुकान लो छोड़ दे एगो बात तेरा पता बना ब्राह्मण जिंदगी भर अपने तपस्या किया अपने कुर्बानी दिया और राजपूत समाज के लोगों को गद्दी पर बैठाया राजपूत को राजा बनाया अपने राजा नहीं बना उतना त्यागी आप ब्राह्मण को नहीं आप कम समझिए आप उतना बड़ा त्यागी ब्राह्मण है कोई राजपूत का सुना है आज तक जो ब्राह्मण को गद्दी पर बिठाया हो कोई राजपूत आप हमें बता दीजिए इस बात को शास्त्र वेद पुराण सब देखिए हमेशा ब्राह्मण राजपूत को गद्दी पर बिठाया है अपने पुरोहित मन कर रहा है राजपूत उसी में खुश रहता है सुने द्रोणाचार्य को ना अपना जान कुर्बान कर दिए महाभारत की लड़ाई में उनका घर के लड़ाई रहे तो लोग लड़ाई रहे ब्राह्मण बहुत त्यागी होता है हमेशा राजपूतों का सम्मान दिया है हमेशा राजपूतों का भला चाहा है अर्जुन के भलाई के लिए एकलव्य के बाद अंगूठा काट लिए द्रोणाचार्य जी पढ़े किताब कि नहीं पढ़े हैं और आप बोल रहे हैं आनंद मोहन पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप तो कौन सा मुड़का किताब लिखे हैं किसी से लिखवाए हैं कि पढ़े लिखे हैं आप अब कहते हैं कि ब्राह्मण लोग बैकवार्ड फॉरवर्ड क्या नाम है हरिजन आई सब बनाया है जात बात बनाया है आनंद मोहन आपको ज्ञान के लिए हम बता दें मनुस्मृति पता है कौन लिखा है आपको पता है कि नहीं अभी नहीं है तो समझिए एक ब्राह्मण का छोटा लड़का आपको बता रहा है मनु महाराज राजपूत थे राजा थे मनु महाराज और उनका लिखा हुआ मनुस्मृति है गाली सुनते हैं ब्राह्मण मनुस्मृति किसका लिखा है पता है तो अरे खानदान के लोग के लिखल तोहरे खानदान के लोग लिखल मनुस्मृति अहंकारी भस्मासुर मोहन तारा खानदान के लिखल ह मनुस्मृति ब्राह्मणों के लिखा हुआ नहीं मनुस्मृति और ब्राह्मण नहीं रहता आज राम को लोग राम नहीं पूछता कृष्ण के लोग कृष्ण नहीं पूछता ब्राह्मण ऐसा है कि हमेशा ब्राह्मणों को कृष्ण को हमेशा सब लोग पूजा किया है देवी देवताओं को और समाज की भलाई चाहा है अगर 14 वर्ष 15 वर्ष जेल के बाद से तो बुझला कि पंडित जी लो डेरा जाइ लो होश में रहो अच्छा ढंग से बात करो पूरे ब्राह्मण समुदाय पर भाषण दियल कम करो आके जब भागो तर अपना लड़कों ने अपना मेहरानू के सामने के बड़का मरद है क्या मरद हो तू का जेल में क्या करे गोरलो आजादी की लड़ाई लड़ लो छूट के आई बड़ो ढेर तारा बेहद बता लड़ा ना आगे और से किनियो आज सब अपना जात भाई के लोग कहे गुमराह कर तरह झूठो के हम उस जात के लोग से भी कहेंगे समाज के लोग से कहेंगे कि आप लोग आनंद मोहन को क्यों इतना गंभीरता से ले रहे हैं भाई आनंद मोहन मनुष्य कौन है आनंद मोहन अहंकारी आनंद मोहन के विषय में आप लोग क्यों पढ़े हुए हैं भस्मासुर आनंद मोहन को भाई आप हमारे मित्र हैं हम आपके मित्र हैं हम लोग समाज में हमेशा एक साथ मिलकर रहे हुए हैं आज 14 वर्ष जेल में जो छूट कर आया है तो कुछ बोल दे रहा आराम से अरे वो कविता पढ़े हैं अब 5 दिन के बाद दर्द हुआ अभी लालू जी नहीं भेंट किए तो लालू जी नहीं भेंट किए तो पंडित जी का दुष्भाव आनंद मोहन जी तू अपन देखो कि तारका इज्जत बा लालू जी के परिवार में कि गई 15 मिनट गाड़ी पर बाहर खड़ा रहा ओकरा बाद लालू जी तारा से भेंट ना कैले तर तो चुल्लू पर पानी में डूब मरे के चाहिए अपने का बड़का बिहार के राजपूत के नेता बना था आ लालू जी तारा से भेंट ना कैले दूतकार के द्वार पर से लौटा दिले आ मुंह बना के तू चल अल तो सौती के किस कटौती पर तू निकाल तारा पंडित जी लो पर पंडित जी लोग खींच निकाल तार काम चल जाई तू अपने खातिर खाता खोना तारा
एक छोटा का ब्राह्मण का लड़का भी अगर अपने पर आ जाएगा ना तो तारनामो निशान मिट जाए, तारनामो लेवे वाला क्यों ना रही तू निश्चित लिखा लिया, जना उल्टा सीधा बतियावत रहा लोग के सब तार पतन हो जाए, खत्म पतन हो जाए, बहुत राज पतन हो गए ब्राह्मणों के अपमानित कल तो।